संदर्भ में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि घांची के रहने वाले 29 वर्षीय एक युवती ने खुरसड़े परिवार के खिलाफ शारीरिक शोषण और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने नगर सेविका के लड़के संतोष पर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप करते हुए बताया कि संतोष ने शादी का वादा कर उसे पुणे ले जाकर उसका 2 दिनों तक लैंगिक शोषण किया। इसके अलावा प्रताड़ित युवती के अनुसार आरोपी संतोष ने उसे पहले भी कई बार शादी का झूठा वादा कर यवतमाल, चिखलदरा, अमरावती, नागपुर आदि शहरों की लॉन्च में ले जाकर जबरन संबंध प्रस्थापित किए। शिकायत में दर्ज है कि हाल ही में पीड़ित युवती थक हार कर जब इसकी शिकायतें लगाने नगर सेविका खुरसड़े के घर पहुंची तो खुरसड़े परिवार ने उसे पुलिस की धाक बताकर घर से निकाल दिया। बहरहाल दिग्रस पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी संतोष के खिलाफ धारा 376 सहित सरला पांडुरंग खुरसड़े और पांडुरंग हरिबाव खुरसड़े के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट। दिग्रस शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक रमजू पटेल, पूर्व आरोग्य सभापति नगर पालिका दिग्रस, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार सामाजिक कार्यकर्ता, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद हारून सामाजिक कार्यकर्ता।